6 अप्रैल तक इन 6 राशियों का चमकेगा भाग्य। शुक्र लुटाएंगे बेशुमार धन दौलत। शुक्र वृष राशि में गोचर करेंगे और वृष शुक्र की अपनी खुद की राशि है। ऐसे में इस गोचर से शुक्र जो है वो बेहद मजबूत स्थिति में होंगे, जिसका लाभ अप्रैल के पहले हफ्ते कर्क समेत कई राशियों को मिलेगा। आइए जानते हैं शुक्र के वृष राशि में आने से किन किन राशियों को अप्रैल के महीने में लाभ मिलने वाला है। लग्जरी लाइफ मिलने वाली है, धन दौलत गाड़ी बंगला इत्यादि सारी मिलने वाली है। शुक्र गोचर आपको बता दे 6 अप्रैल दिन गुरुवार को मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में गोचर करेंगे और वृषभ और तुला राशि के स्वामी ग्रह शुक्र भौतिक सुख प्रेम सुंदरता आदि के कारक ग्रह हैं। शुक्र की स्थिति अगर कुंडली में मजबूत होती है तो जीवन में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होती है दोस्तों, भाग्य के दरवाजे खुल जाते हैं। वहीं कुंडली में शुक्र कमजोर है तो आपके सामने चारों तरफ से परेशानियां आ जाती हैं। शुक्र जब एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं तब उसका प्रभाव देश दुनिया समेत व्यापार पर, परिवार पर, आर्थिक स्थिति समेत 12 राशियों पर भी पड़ता है। आइए जानते हैं शुक्र का वृषभ राशि में गोचर होने पर किन राशियों की किस्मत के जो बंद दरवाजे हैं फाइनली अब वो खुलने वाले हैं। तो पहली लकी राशि की बात करते हैं, वो है मेष राशि। मेष राशि पर जो है शुक्र की बेहद ही असीम कृपा बरसने वाली है दोस्तों। आपको बता दें मेष राशि के जातकों को लग्जरी लाइफ जीने का पूरा मौका मिलेगा पहले अप्रैल के पहले सप्ताह में। तो आपको बता दें कि शुक्र आपकी राशि दूसरे आपकी राशि में दूसरे स्थान पर है। ये गोचर जो है वो पारिवारिक सुख और आर्थिक मामलों में उन्नति वाला होता है, तो करियर में तरक्की के नए मार्ग खुलेंगे। इस अवधि में आप बड़े बड़े निर्णय आसानी से ले पाएंगे। इसके साथ ही काम के सिलसिले में यात्रा करने पर आप कहीं विदेश जा सकते हैं। गोचर काल में धन संचय करने यानी धन के को बढ़ाने के कार्य कर सकते हैं। निवेश में भी अच्छा आपको लाभ मिलने वाला है। इसके साथ ही आपको बता दें वृषभ राशि शुक्र आपकी राशि लगन भाव में गोचर करने वाले, यानी आपके जो लगन भाव हैं वहाँ पर गोचर करेंगे। इस दौरान कानूनी मामलों में आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। नौकरी पेशा जातकों को करियर में अवसर मिलेंगे। सरकारी अधिकारी की पद से जो है आपको अटका हुआ काम होगा, धन प्राप्त होगा, जिससे मन में का जो बोझ है वो हल्का हो जाएगा। जो खुद का बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए अवधि अनुकूल रहेगी। माता पिता का सामर्थ्य जो है मिलेगा और उनकी मदद से आपकी तरक्की होगी। तीसरी लकी राशि है कर्क राशि। शुक्र का गोचर आपकी राशि के लिए अनुकूल साबित होने वाला है। इस दौरान आर्थिक लाभ के योग बने हुए हैं। धर्म कर्म के कार्यों में भी आपका मन लगेगा। गोचर काल में काफी दिनों में रोजगार की तलाश करने वाले जातकों को शुभ समाचार मिल सकता है। नौकरी व्यापार करने वालों की स्थिति में सुधार आएगा और कार्य क्षेत्र में आपका प्रभाव भी बढ़ेगा। आपको विदेश जाकर बिजनेस करने का मौका भी मिलेगा, जिसमें जीवन साथी का भी सहयोग आपको मिल सकता है। अगर आप इस अवधि में खुद को मजबूत करते हैं तो आपको बेहद लाभ होगा। चौथी लकी राशि है कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए शुक्र का गोचर लाभदायक रहने वाला है। इस दौरान परिजनों के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे और प्रतिद्वंदियों से प्रतिस्पर्धा करने में भी सफल होंगे। कार्य क्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारी द्वारा आपकी मदद होगी, मेहनत की सराहना की जाएगी, आपका प्रमोशन होगा, मान सम्मान आपको प्राप्त होगा, भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, उनकी मदद से कई कार्य पूरे होंगे। लव लाइफ वाली के रिश्तों में जो गलतफहमी चल रही थी वह भी दूर होगी। पांचवी लकी राशि है मकर राशि। शुक्र का गोचर मकर राशि वालों के लिए सुफलदायी रहेगा। इस दौरान नौकरी पेशा जातकों को तरक्की के नए अवसर मिलेंगे और प्रमोशन भी अच्छा होगा। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे छात्रों को इस दौरान सफलता मिलेगी और भाग्य भी मजबूत होगा। अगर आप नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो यह अवधि आपके लिए बेहद अनुकूल है। मकर राशि वालों के लिए लव लाइफ आनंदमय होगी। अपने पार्टनर की मुलाकात घर वालों से करा सकते हैं। गोचर काल में विदेश में व्यापार करने वालों को काफी फायदा होगा। छठी और आखिरी लकी राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए शुक्र का गोचर सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। इस दौरान काम के सिलसिले में विदेश जाने का मौका आपको मिलेगा। पारिवारिक जीवन में समस्याएं जो चल रही थी वो दूर होंगी। पारिवारिक सदस्यों के साथ रिश्ते मजबूत होंगे। घर के बच्चों के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। उनके साथ रहने से मन अनुकूल रहेगा। बिजनेस करने वाले लोगों के लिए गोचर अनुकूल परिणाम लेकर आएगा। गोचर काल में बच्चों की तरक्की से मन खुश होगा। आपके मन का बोझ भी काफ़ी हल्का होगा। आपको बता दें कि शुक्रदेव जिसके भी राशि में कुंडली में मजबूत होते हैं उनको लग्जरी लाइफ जीने का मौका मिलता है। लग्जरी लाइफ में गाड़ी बंगला ऐशो आराम मान सम्मान सोसाइटी में फेम आपको मिलता है। अगर आप अपना संपूर्ण राशिफल जानना चाहते हैं तो ज्ञान दर्शन चैनल से जुड़ जाए दोस्तों। हम पूर्णतः रिसर्च के साथ आपका राशिफल तय करते हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए दोस्तों। धन्यवाद। आशा करते हैं कि आप सब कुशल मंगलता से रहेंगे और परेशानियों को बड़े ही दृढ़ता से उनका सामना करेंगे और उनका सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि जहाँ पर समस्याएं होती हैं समाधान भी वहीं होता है।